जी हाँ दोस्तों, जैसी हमारे देश में नया महीना और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, वैसी हमारे भारत देश में बहुत सारे चीज बदल जाते हैं, राइट। तो ठीक दोस्तों, आने वाले 1 जनवरी 2022 से हमारे देश में बहुत ही भयंकर बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आने वाले 1 जनवरी 2022 से, यानी कि दोस्तों नए वित्तीय वर्ष से, हमारे भारत की सरकार ने एटीएम से ट्रांजेक्शन करने पर बहुत ही भयंकर बदलाव किया है। और इसके अलावा दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लेकर के सबसे बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जारी किया है 1 जनवरी 2022 से। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे भारत की सरकार ने सभी रसोई गैस सिलेंडर वालों के लिए, यानी कि दोस्तों अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है, तो आने वाले 1 जनवरी 2022 से, यानी कि दोस्तों नए महीने के नए वर्ष से, हमारे भारत की सरकार रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के बदलाव करने वाली है। तो अगर आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं, तो फिर इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल मत करना, क्योंकि अगर आप ये जानकारी नहीं जानेंगे तो आने वाले 1 जनवरी 2022 के बाद आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि आगे चल करके आपकी ये सभी चीजें हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो चलिए इस खबर के बारे में पूरी बड़ी खबर विस्तार से देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल घंटी को दबा करके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी अपलोड करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल तरीके से और आसानी से मिल जाए करेगी। दोस्तों बता दें कि सबसे पहले 1 जनवरी 2022 से अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत ही भयंकर खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दें कि अगर आपके पास चाहे किसी भी बैंक का एटीएम है, तो 1 जनवरी 2022 से हमारी केंद्र सरकार बहुत ही बड़ा और भयंकर नियम जारी करने वाली है। और दोस्तों बता दें कि आप जैसे 1 जनवरी 2022 से अगर आपके पास चाहे किसी भी बैंक का एटीएम है, और अगर आप चाहे किसी भी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा, और इसको लेकर के हमारे आरबीआई की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आप यह जानकारी जान लीजिए कि आने वाले 1 जनवरी 2022 से आप जैसे ही एटीएम से ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपके हर ट्रांजेक्शन पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप 1 जनवरी 2022 से आप सावधान होकर के एटीएम से पैसे ट्रांजेक्शन करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सावधानी से एटीएम से पैसे ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तो आपको 1 जनवरी 2022 से आपका ज्यादा चूना लग सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे भारत की सरकार ने दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव किया है, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल के जमाने में हर एक व्यक्ति के पास पैन और आधार, यानी कि ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों चीज हर एक व्यक्ति के पास तो होता ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार, यानी कि दोस्तों इन दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट को अगर आपने अभी तक आपस में लिंक नहीं करवाए हैं, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप दिसंबर का महीना खत्म होते होते आप पैन और आधार, यानी कि दोस्तों इन दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक करवा लीजिएगा, वरना दोस्तों जैसे ही हमारा 1 जनवरी 2022 आ जाएगा, वैसे आपका पैन और आधार, यानी कि दोस्तों ये दोनों चीज आपका बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में आप ये गलती ना करें, अगर दोस्तों आपने अभी तक अपने पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं करवाए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ये दोनों चीज आपस में लिंक करवा लीजिए, और अगर आप लिंक नहीं करवाएंगे तो आगे चल करके आपको ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वैसे में आप में नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक अभी तक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, और अगर आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो चुका है, तो इतनी बात में नीचे कमेंट सेक्शन में यस या नो में रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगली जो हमारी सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत की सरकार 1 जनवरी 2022 से हमारे रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कितने रुपए की परिवर्तन करने वाले हैं, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, 1 जनवरी 2022 से हमारे भारत की सरकार ने हमारे रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर के बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें कि अगर आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा अभी तक नहीं आता है, तो आने वाले 1 जनवरी 2022 के बाद लगभग सभी लाभार्थियों के, यानी कि गैस के लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करेंगे हमारे मोदी सरकार। तो है ना काफी अच्छी खबर। तो ऐसे में आप मेरे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा आता है या नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो भी, और आता है तो भी आप यस या नो में रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। तो आयोग दोस्तों, आपको यह सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हमारे 1 जनवरी 2022 से हमारे भारत में क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस नए नियम और न्यू रूल्स को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तो आने वाले 1 जनवरी 2022 के बाद आपको ये नुकसान हो सकता है। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।